हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक इंडिया। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। जो हमारे भारत में इंटरनेट कनेक्शन का मोड है उसके बारे में बात करूंगा। बेसिकली हम दो मोड यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, एक तो है वायरलेस मोड और दूसरा है फिक्स्ड लाइन मोड। जैसे कि ब्रॉडबैंड MTNL BSNL के थ्रू हम लोग जो घरों में केबल के जरिए ब्रॉडबैंड स्पीड या DSL लाइन के जरिए हम लोगों को जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिलता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या सीन है हमारे देश और अदर कंट्रीज का। तो आंकड़े की अगर बात कर ले तो करीबन 93% लोग इंटरनेट के लिए डिपेंडेंट है वायरलेस मोड के ऊपर। जैसे कि हमारा जो मोबाइल इंटरनेट है, जियो हो गया, एयरटेल हुआ, 3G 4G ये सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, और कुछ जगह वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं उस पर डिपेंडेंट है, और केवल 7% लोग ही फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इस पर डिपेंडेंट है, जो कि बहुत ही कम है रेशियो अदर कंट्रीज के लिहाज से। अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे करीबन 54% लोग वायरलेस पे डिपेंडेंट है, वायरलेस इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, और 46% लोग फिक्स लाइन पे डिपेंडेंट है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे देश में इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है फिक्स लाइन के ऊपर, क्योंकि फिक्स लाइन का बैकबोन बहुत ही मजबूत होता है और इसके बहुत ही रिलायबल होता है, और ब्रॉडबैंड वायरलेस के थ्रू जो इंटरनेट होता है वो उतना रिलायबल नहीं होता। फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शन की समस्या आती है, एक तो महंगा होता है प्लस कनेक्शन भी स्लो मिलता है उस लिहाज से। और फिक्स लाइन की अगर बात करें तो उसमें हमको कनेक्शन भी फास्ट मिलता है और रेट भी सस्ता है। तो इसके लिए हमारे केंद्र सरकार ने अब कदम उठा लिया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड को कैसे फिक्स लाइन मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक निर्देश जारी किया है जिसमें जो एग्जिस्टिंग केबल ऑपरेटर्स हैं उसके थ्रू ही अब करीबन 10 करोड़ हाउस होल्ड को फिक्स लाइन इंटरनेट मिलने जा रहा है, जो कि फास्ट होने के साथ साथ बहुत ही सस्ता होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस और जुड़ने वाले हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने किया क्या है, केंद्र सरकार की संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब TRAI ने एक निर्देश जारी कर दिया, और उस निर्देश पे जो हमारा टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब 10 करोड़ घरों को जो हमारे एग्जिस्टिंग केबल ऑपरेटर्स है उसके थ्रू हमें जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी होता है उसी केबल के जरिए हम लोग सेटेलाइट चैनल के साथ साथ अब हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो केबल बिछाने का खर्च आता है वो बच जाएगा अगर इसको हम लोग एग्जिस्टिंग केबल ऑपरेटर्स के केबल को अगर यूज करें तो, और जो ब्रॉडबैंड का बैकबोन को स्थापित करना यह भी सस्ता होगा, और ऑपरेशन का कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग केबल ऑपरेटर्स जो केबल चलाते हैं वही अब इसको ऑपरेट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो मैन पावर का कॉस्ट है तो वो भी बच जाएगा। तो ये जो इतने फंड की हम लोगों को बचत होगी, इतने कैपिटल की बचत होगी, आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा और वो सस्ते में इंटरनेट पा सकेंगे। तो मेरे हिसाब से यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जो केबल टीवी का पेनिट्रेशन है बहुत छोटे से छोटे शहरों तक है, हर हाउस होल्ड के पास ही ये केबल कनेक्शन मतलब पहुंच सकता है आसानी से। लोग सेटेलाइट चैनल के साथ साथ अब इंटरनेट का भी यूज कर पाएंगे, और स्पीड हाई स्पीड की अगर बात करें तो हर हाउस होल्ड को अब हाई स्पीड कनेक्शन ये केबल ऑपरेटर केबल टीवी के माध्यम से मिल सकता है। तो देखिए करीबन 1-2 महीने के बाद ये इस पे काम शुरू हो जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में ड्रेस्टिक चेंजिंग आएंगे। लोग अब वायरलेस ब्रॉडबैंड पे ना निर्भर रह के अब इस तरह के ऑप्शंस की तरफ भी आएंगे, और इस तरह ऑप्शन बढ़ने से कंपटीशन भी बढ़ेगा, रेट भी सस्ता होगा, और विन विन सिचुएशन आएगा कस्टमर के लिए। तो मेरे तरफ से इस पे काम करने के लिए केंद्र सरकार को थम्सअप है, और खाली ये बात बनाने से नहीं होगा, इस पर तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड के मामले में भारत अदर कंट्रीज से बहुत ही पीछे है। भले ही हम लोग MBPS में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कंट्रीज GBPS में पहुंच गए, स्पीड के मामले में हम लोग बहुत ही अभी पीछे हैं। तो अभी स्पीड और रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो आज मेरे वीडियो में बस इतना ही। आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में, एक बेल आइकन भी बनी हुई है तो उस पर हिट करना ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मन में कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।